सीएम कमलनाथ गरजने पहुंचे फग्गन सिंह कुलस्ते के गढ़ में। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ मंडला जिले के निवास विधानसभा पहुंचे। ये क्षेत्र बीजेपी के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का गढ़ माना जाता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में सरकार बने अभी 100 दिन ही हुए हैं और हमने कई वादे पूरे किए हैं। प्रदेश के लोगों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हमने 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्जा माफ किया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मंडला और डिंडोरी जिले को मिलेगी। मुझे डिंडोरी और मंडला जिले से सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर गरीब को 72,000 रुपए मिलेगा, 6,000 रुपए हर महीने मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को आपने 29,000 वोट से जिताया, अब लोकसभा चुनाव में अपनी विधानसभा में 40,000 से अधिक वोट से जिताइए। जिनके नाम गरीबी रेखा में नहीं है उनके नाम जोड़े जाएंगे, अपात्र लोगों के नाम काटे जाएंगे। मंडला लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने पर उन्होंने निवास को गोद लेने की बात भी कही। संवाददाता मंडला भुवनेश्वर केवट। जय जय कमलनाथ, 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 जय जय कमलनाथ। प्रदेश का मुख्यमंत्री ओंकार मरकाम जी, हमारे विधायक पट्टा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय परियार जी, डॉक्टर अशोक मस्कोनी जी, सभी यहाँ उपस्थित, सभी यहाँ उपस्थित मेरे भूतपूर्व विधायकगण, मंत्रीगण, मेरे साथीगण, नेतागण, मैं सबका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे अभी जल्दी निकल जाना है, मौसम भी खराब हो रहा है। सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, बहुत बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। बहुत पुराना संबंध है और यहाँ आकर मैं देखता हूँ वो चेहरे जिनको मैं 25-30 साल से जानता हूँ, यहाँ आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आ जाती है। बहुत बहुत सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, डॉक्टर अशोक मस्कोले का साथ दिया, और जब आपने कांग्रेस का साथ दिया आपने उस संस्कृति का साथ दिया। उनके नाम हम जुड़वाएंगे जिन्होंने गलत नाम जुड़वाए हैं। जिसके पास ट्रैक्टर है, जो पात्र नहीं है गरीबी रेखा का, उसका नाम हम हटाएंगे। और आप जो सब वंचित रही है गरीबी रेखा से, मैं गरीबी रेखा में उनका नाम जुड़वाऊंगा ताकि आपको हमारी योजनाओं का लाभ मिले। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में निवास से, निवास एक ऐसा क्षेत्र होगा। आपने डॉक्टर अशोक मस्कोले जी को जो जिताया, जनसेवा की भावना है, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये समाज सेवक है, इन्होंने समाज की सेवा करी है। जैसे आपने इनको जिताया, कैसे जीते थे, 29,000 से जीते थे, अब आपको 40,000 से यहाँ किसानों यहाँ लोकसभा में जिताना है, मुझे ये पूरी उम्मीद है। और सबसे ज्यादा लोग निवास की आएगी, निवास को मैं गोद दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आ गया।